अयोध्या मामलें सुप्रीम कोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय विफल होइछि मध्यस्थता कमिटी एपरि स्थले आसंता 6 तारिखर खोला अदालत रे हेबो मामलार नियमित सुनानी पूर्वर अयोध्या जमी विवाद मामलें गठित तीन जणिया मध्यस्थता कमिटी निजर अक्षमता प्रकाश करने सह सुप्रीम कोर्ट रे रिपोर्ट प्रदान करथिला। रिपोर्ट उपरे सुनानी करी एही राय सुनाइछन्ति सुप्रीम कोर्ट। प्रधान विचारपति जस्टिस रंजन गोगोई को अध्यक्षता रे गठित पांच जणिया खंडपीठ मध्यस्थता कमिटी निकटर सर्वमान्य समाधान मांगी अयोध्या मामलें मध्यस्थक उद्यम फेल मारी एणिक अगस्त 6 तारिखर प्रतिदिन मामलार शुणी करेंगे सुप्रीम कोर्ट। प्रधान विचारपति रंजन गोगोई अध्यक्षतार पांच जणिया जज को नहीं गठित खंडपीठ शुक्रवार मामलार शुणी कर मध्यस्थक उद्यम फेल होता कही अगस्त 6 तारिखर प्रतिदिन यह मामलार एणिकी खोला कोर्ट में शुणी हो। 30 अगस्त 2010 आल्लाहाबाद हाइकोर्ट दे राय विरोध में होता समस्त आवेदन उपरे सुप्रीम कोर्ट प्रतिदिन शुणी करेंगे निष्पत्ति। सूचना अनुजाई सप्ताह को तीन दिन यह शुणी हो जहाँफल बद चारिमास मध्य राय आसीज कोर्ट को यह राय को सब वर्ग से स्वागत कर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ कि उसने जो निश्चय किया 6 अगस्त से पर जो सुनवाई का इसके लिए बहुत ही आशा जगी है और जो आज तक हम लोगों ने इसकी आशा में भटकते रहे आज वो आशा हमारी पूर्ण होगी। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से बहुत आशा वाला है। 500 सालों से जो लड़ाई चल रही है, 70 साल से जो मुकदमे चल रहे हैं और ऐसे मुकदमे जिसने भारत में दो बड़े समुदायों के रिश्तों में लगातार तनाव पैदा करके रखा है। कोर्ट फैसला करेगा, हम कोर्ट का भी सम्मान करेंगे, पैनल का भी सम्मान करेंगे। हम चाहते हैं कि हियरिंग शुरू हो, इसका फैसला आवे, क्योंकि जो ये राजनीति में न होता तो इतना लंबा खिंचता नहीं। पूरे दुनिया में जो है इसको घुमाया गया है, पूरे हिंदुस्तान में घुमाया गया। आल्लाहाबाद हाइकोर्ट यहाँ पर राय दे विवाद 2.77 एकर जगह को समान तीन भाग करी गोटे भाग रामलला गोटे भाग निर्मोही अखाड़ा और आउ एक भाग सुन्नी वाकफ बोर्ड को प्रदान करने हेले एही राय विरोध में 14 आवेदन होता फल मे 2011 सुप्रीम कोर्ट एही राय उपरे स्थगितादेश जारी करने यथास्थिति बजाय रखा निर्देश देते। सेपटे एही वर्ष मार्च 8 तारीख में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एफएम कुलिफुल्ला नेतृत्व में एक तीन जणिया मध्यस्थता कमिटी गठन करते जोथे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर एवं वरिष्ठ आईनजीवी श्रीराम पंचु मध्य सामिल थे। आउ एही कमिटी को एक सर्वमान्य समाधान बाहर करिवार थिला हेले मध्यस्थता कमिटी निज चूड़ांत रिपोर्ट गुरुवार सिल बंद लफाफा मध्य सुप्रीम कोर्ट को प्रदान करते जोथे बदर समाधान करे कमिटी निज अक्षमता प्रकाश कर आ मध्यस्थक एही रिपोर्ट पर दीर्घ दिन धरी चली आसुवा एही बद आपस बुझामणा जरिया समाधान होबार समस्त आशा को मौलाई देथिला। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।